और एक साल पुराना हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो न्यू ईयर आया है, बाकी सब तो वही है ना, सब प्लानिंग वगैरह कर लो, रेजोल्यूशन वगैरह बना लो, पर गारंटी नहीं है कि सब वैसा ही होगा जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ, तुम फिर भी मोटे रहोगे, फिर भी भैंस की तरह खाते रहोगे, कुछ बदलने थोड़े ना वाला है, लेकिन न्यू ईयर है, हैप्पी रहना तो बनता है ना। बात सही है, लेकिन लेकिन बताओ ऐसा क्या हो जाएगा कल से? ये कैलेंडर किसने बनाया, उसको डाओ। मैं तो कहती हूँ कि 1 ईयर 365 डेज का क्यों है, राउंड ऑफ करके 100 डेज का कर लेता तो एवरी 3 मंथ्स एक न्यू ईयर होता ना। अच्छा चलो 1000 डेज का कर लेता तो पार्टी का खर्चा भी बच जाता। जो भी है, कोई जरूरत नहीं कि कल से ही जॉगिंग शुरू करो या डाइटिंग पे जाओ। आज तक कुछ बदला क्या? ऐसा तो नहीं कि कल से तुम्हारा सैलरी भी डबल हो जाएगा। सो जस्ट चिल, आराम करो, नींद ले लो, बॉडी फ्रेश रहेगा तो न्यू फील करोगे। हाँ तुम ओल्ड हो गए हो, स्ट्रेस तो है, लेकिन स्ट्रेस मत लो, होता है, हर साल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, फिर भी देखो मैं कितनी हंसती रहती हूँ, हंसाती रहती हूँ। इट्स ओके, मैसेजेस आ रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ओके, विश यू द सेम, मस्त रहने का प्लानिंग कर लो, मैं तो सोने जा रही हूँ, जगाना मत। अब ये कौन आ गया? जरूर पार्टी का चंदा मांगने आया होगा कोई गरीब। चलो देखते हैं।